जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चहेते कार्यक्रम उभरता झारखंड। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे गुल्ला के एक गांव वानालाद के किसानों की अनोखी कहानी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और उसी के तहत DRMR गुल्ला के गाँव वानालाद के किसानों को प्रेरित कर रहा है सरसों की खेती के लिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे नक्सल प्रभावी इस क्षेत्र के किसानों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के वानालाद ग्राम की। ये क्षेत्र पिछले कई वर्षों से हिंसा का शिकार रहा है। अशांत क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के किसानों की खेती न के बराबर थी। यहाँ के किसान अपनी जरूरतों को किसी तरह पूरा करने के लिए खेती करते थे। यहाँ की खेती सिर्फ धान और गेहूं तक सिमट कर रह गई थी। बदलते वक्त के साथ यहाँ का माहौल बदला और सरसों अनुसंधान निदेशालय राजस्थान के सरसों की परियोजना का यहाँ आगमन हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से इस परियोजना को यहाँ की धरती पर उतारा गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती को व्यावसायिक रूप देकर उनकी आमदनी को बढ़ाना है। इसके तहत यहाँ के किसानों को उपलब्ध संसाधनों में सरसों की खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इससे किसानों को कम पानी में सरसों की फसल मिल रही है। इसके अलावा बचे हुए समय में वे सब्जी की खेती भी कर पा रहे हैं। सरसों की कीमत चूंकि अधिक है, इसलिए इसका आर्थिक लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इस तरह से अब वे सालों भर खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं और अपनी जिंदगी खुशहाल बना रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से ये जो हमारा वानालाद क्षेत्र हमारा इससे पहले बहुत अशांत रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी तकनीकी रूप से जो किसानों को तकनीकी जानकारी होना तो नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग अभी जो सरसों अनुसंधान निदेशालय के हमारे यहाँ परियोजना चल रही है, क्या है, मुख्य रूप से झारखंड में पानी की क्राइसिस है। तो गेहूँ खेती लोग करता था, जो ट्रेडिशनल गेहूँ उसकी खेती करता था, लेकिन हम लोग जब इनको प्रेरित किए कि नहीं आप सरसों की खेती करिए, तो सरसों की खेती मुख्यतः क्या है कि 3 से 4 पानी में हो जाता है। यहाँ गेहूँ सिंचाई के लिए कम से कम 6 से 7 पानी की आवश्यकता है। तो पहला हमारा पानी की बचत हुआ, दूसरा हमारा क्या है कि ये 100 से जो हम पूसा सरसों 28 यहाँ पर हम डिमास्ट्रेशन लगवाए हैं, प्रत्यक्षण लगवाए हैं, उसमें क्या है कि 100 से लगभग 110 दिन उत्पादन क्षमता 20 से 21 क्विंटल है और लगभग 4200 रुपये प्रति क्विंटल है। तो कहने का मतलब है कि कम पूंजी में ही ज़्यादा इनको मुनाफा होगा। इसका असर क्या है कि पानी, चूँकि क्या है कि पानी यहाँ पर है लेकिन पानी की उपलब्धता कम है, तो हमारा जब 3 पानी में हो जाएगा तो जो हमारा नदी में पानी है वो नदी का पानी चलता रहेगा और दूसरा फसल हम ले सकेंगे। तो इसके बाद हम लोग सब्जी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। मान लिया हम केवल गेहूँ लगाए रहते तो गेहूँ अभी हमको 4 महीना में तैयार होता, तो हमारा ये 3-3.5 महीना में तैयार हो जाए, 15-20 दिन हमको प्लस मिल रहा है कि हम सब्जी खेती भी कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र जब इस क्षेत्र में प्रत्यक्षण के लिए आया तब इस क्षेत्र में अशांति के कारण खेती नगण्य थी। जब से यहाँ की स्थिति सुधरी है तब से किसानों में खेती के प्रति काफी उत्सुकता है। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को इकट्ठा कर सरसों की खेती का सुझाव दिया और यहाँ के लोगों ने इसकी खेती अपनाकर अपने खेतों को हरियाली में परिवर्तित कर दिया। तो किसान भी बहुत उत्सुक हैं कि हम अच्छी से अच्छी खेती करें। देख रहे हैं गेहूँ बहुत सारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी है, सरसों है, मटर है, चना है, मसूर है, बहुत सारी लोग लगाए हुए हैं। तो जब हम लोग आए तो यहाँ पर किसानों को हम लोग इकट्ठा किए, सारे लोगों से बात किए, हम लोग अपने परियोजना के विषय में बताए, उसके फायदे को बताए, क्या इनसे हम आपको दे सकते हैं या क्या उपलब्ध हो सकता है। तो उसके साथ हमारा इनके साथ में जब वार्तालाप हुआ तो क्या हुआ कि ये लोग सरसों की खेती की तरफ बढ़े, आज उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ के किसानों से सिर्फ सरसों की खेती करवा कर उन्हें छोड़ नहीं देता, वो सरसों के प्रसंस्करण में भी उनकी सहायता करता है तथा उसके बाद उसे बेचने के लिए उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराता है। इससे यहाँ के किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल जाती है।
जहाँ तक है कि ये जब हमारा प्रोडक्शन होगा तो हमारे यहाँ एक यूनिट बैठी हुई है और वैसे हमारा सरसों अनुसंधान निदेशालय भी प्रोसेसिंग यूनिट दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसानों के साथ एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग MSP पर ही परचेज करेंगे, खरीदेंगे और उसको हम अपने यहाँ प्रोसेसिंग करेंगे। जिन किसान भाइयों को अपना खुद से प्रोसेसिंग कराना होगा उनका प्रोसेसिंग होगा, रेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र विकास भारती बिशनपुर खुद जो है इसका मार्केटिंग की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। बनालाड़ क्षेत्र में आज सरसों के खेत लहलहा रहे हैं, इसका प्रभाव आसपास के गांवों में भी पड़ने लगा है। लोग यहां के किसानों को देखकर कृषि विज्ञान केंद्र से मदद लेने लगे हैं और अपनी खेती में भी भारी परिवर्तन करने लगे हैं। जब हम लोग यहाँ प्रत्यक्षण किए बहुत लोग लगा कि नहीं ये तो कैसे क्या हो रहा है, लेकिन आज जब देखे पूरा बनालाड़ पीला दिखाई दे रहा है, पूरी पीली क्रांति आ गई है, तो वो लोग देखे कि नहीं हम लोग भी कर सकते हैं। बगल में हमारा बोरांग गांव है, बोरांग गांव में भी रास्ते में देखिए कि इसी को देखी देखा वो लोग क्या है कि तकनीकी सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर 20-25 एकड़ में अभी टमाटर की खेती करने जा रहे हैं, कद्दू की खेती करने जा रहे हैं, नेनुआ की खेती करने जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है पूरे बनालाड़ गाँव में। अभी केचुआ खाद प्रोडक्शन पर बात चल रही, किसान खुद से शुरू कर दिए हैं उसका यूनिट बनाना और हम लोग भी कृषि विज्ञान केंद्र भी इसमें सहयोग कर रहा है। तो आने वाले दिन में ये इस क्षेत्र में ही नहीं इस पूरे क्षेत्र में इस तकनीकी का विस्तार होगा और इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह की परियोजना आने के पहले यहाँ के किसानों के मन में शंकाएं थी कि ऐसी परियोजनाओं से कुछ नहीं होता। जब से ऐसी परियोजनाओं को धरातल पर उतार कर उनका प्रत्यक्षण किया गया तब से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। यही वजह है कि आज इस क्षेत्र में चारों तरफ सरसों की खेती हो रही है और धीरे धीरे इनकी खेती की पद्धति में बदलाव हो रहा है। कि जो हम तकनीकी ला रहे हैं उससे हमको कितना फायदा होगा, लेकिन जब हम प्रत्यक्षण उनके उनके खेत पर उनके परक्षेत्र पर कराते हैं तो उनका विश्वास बढ़ रहा है। इससे क्या है कि जो हमारा यहाँ पर तकनीकी लगा हुआ है, जो हमारा प्रत्यक्षण लगा हुआ है, इससे उनका उत्साह दुगना हुआ है, उनका मनोबल बढ़ा है और उनको विश्वास भी जगा है कि नहीं हम पहले सोचते थे सरसों से क्या होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली लगाते थे जो हमारा परंपरागत बीज था उसी के लिए, क्यों अपने यूज के लिए। लेकिन आज क्या है जब इसको लगाए हैं ये तकनीकी, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है कि तकनीकी लाने में, लेकिन जब तकनीकी सक्सेस हो गया वहाँ पर तो देखिए कि बड़े बहुत बड़े एरिया में जो है सरसों खेती, आप रास्ते में देखिएगा सरसों खेती मिलेगी आपको। तो क्या है कि ये चेंज दिनों दिन आते जा रहा है। बस क्या है कि कृषि का जो बदलाव है ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये नहीं है कि हम रोड बनाना शुरू कर दिया 10 दिन में रोड बन गया तो चेंज वहाँ दिखता है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो है खेती का जो किसानों का है डेवलपमेंट थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस एरिया में बहुत तेज जो बदलाव आ रहा है। जिस तरह से बनालाड़ के किसान कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीक को अपनाकर सरसों की खेती करने लगे हैं, इससे उन्हें दूसरी खेती के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है। इस तरह से वे सालों भर खेती करने में सक्षम हो गए हैं, स्वभावतः इससे इनकी आमदनी बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में इनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। देखिए ये बहुत अच्छा था कि ये क्या है कि सरसों जब कम दिन में होता है तो इनको दूसरी फसल लगाने के लिए टाइम मिलेगा। तो क्या है कि जब ये तकनीक इनको, चूंकि ये लोग पहले जो धान करते थे धान के बाद छोड़ देते थे ट्रेडिशनल वे में था, आज क्या है कि आज सरसों लगाए हैं, सरसों के बाद तुरंत ये लोग सब्जी लगाएंगे, सब्जी लगाने के बाद फिर इनका टाइम आ जाएगा सरसों की इसका धान का। तो क्या है कि जब ये साइकिल चलेगा तो इनका निश्चित तौर पर, चूंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर यहाँ आने वाले दिनों में बदलाव दिखाई पड़ेगा। और जहाँ तक 2022 तक इनकी आय दुगनी होने की बात है तो ये तो सुनिश्चित हो गया कि यहाँ 2022 तक आय दुगनी होना ही होना है, क्योंकि ये लोग भी इसकी दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र बनालाड़ के किसानों की न सिर्फ सरसों की खेती में मदद कर रहा है बल्कि सरसों का प्रसंस्करण कर उसे बाजार तक बेचने में भी उनकी मदद कर रहा है। FLD या CFLD के माध्यम से कि अपने क्लस्टर में समूह के माध्यम से किसानों के यहाँ हम लोग जब प्रत्यक्षण कराए और खासकर बनालाड़ एरिया जो अशांत एरिया है इसमें, उसके बाद फिर हम लोग का जब किसान का फसल कट के तैयार हो जाता है खलिहान में आ जाता है और वो फिर सीड के रूप में आ जाता है तो उस समय हम लोग की भी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि किसान उसको जितना दिन घर में रखता है वो दिन पर दिन कम ही होता है,
कुछ चूहा से बर्बादी होता है, सूखता है, कुछ खराब भी होता है। तो हम लोग का भरसक कोशिश रहता है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग जो अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर किसान लैंपस में अपना सरसों हो या कोई भी फसल हो वो जल्द से जल्द अपने खलिहान से निकाले और उसको बेचे। अगर वहाँ वो नहीं बेच पा रहे हैं तो अभी के डेट में कृषि विज्ञान केंद्र खासकर सरसों में अभी मिनिमम प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है जो तेल का तेल निकालेगा और उस तेल को पैकेटिंग करके वो फिर वो मार्केट में जाएगा, क्योंकि हर गांव में अभी जो मिनिमम प्रोसेसिंग प्लांट है, जो तेल पेरने वाली मशीन है, अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो सामूहिक जो ग्रुप के माध्यम से उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर है, इनका जो जब सरसों तैयार हो जाएगा ये सरसों को हम लोग खरीदारी करेंगे और इनके खाते में हम लोग डायरेक्ट पैसा देंगे और फिर हम लोग इसको अपना मिनिमम प्रोसेसिंग प्लांट में तेल निकालेंगे और उसको पैक करके मार्केट में हम लोग बेचेंगे। अगर जो किसान भाई ये भी इच्छुक होंगे कि नहीं हम अपना खुद का तेल बनाएं और अपना बाज़ार में खुद बेचें तो वो आके वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के जो मिनिमम प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर आएँ और उसको वहाँ पे क्या कहलाता है जो भी चार्ज है तेल निकालने का उस चार्ज को वहन करें और फिर अपना वो तेल ले जा सकते हैं। साथ में उनका खली भी होगा जो उनके पशु हैं उसको खाएंगे। तो इससे क्या है कि किसान पशु के लिए दाना का भी उपलब्ध हो जा रहा है और इनका तेल भी निकल जा रहा है। ये बताती हैं कि यहाँ पहले लोग पारंपरिक तरीके से थोड़ी बहुत गेहूं की खेती करते थे, फिर विकास भारती के मार्गदर्शन पर चलकर लोगों ने सरसों की खेती आरंभ की। अब यहाँ के लोग आगे भी उनके मार्गदर्शन पर चलकर अपनी खेती को और उन्नत बनाने की ओर अग्रसर हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत गेहूं कर रहा था अपना आवश्यकता अनुसार, तो उतना हरा भरा तो नहीं दिख रहा था, इसलिए अभी उसके सहयोग से किसान लोग को तो एक सहयोग तो चाहिए ना, निर्देश देने के लिए चाहिए, इसलिए वहाँ का निर्देश अनुसार यहाँ का किसान लोग अभी खेती कर रहे हैं और उसके अनुसार आगे भी बहुत इच्छुक है। निर्देश अनुसार तरह तरह का खेती करने के लिए लोग तैयार हैं और ये पानी को हम लोग किस तरह से रोक कर रखेंगे इसके लिए भी कुछ सहयोग मिले, कैसे करें कैसे बचाएं इसको भी आगे से लोग निर्देश दे, उसके आधार पर यहाँ करने के लिए लोग तैयार हैं और लाभ लेने के लिए खेती करने के लिए सभी को खेती से आधारित। कुंती देवी को आज पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से विकास भारती की मदद से यहाँ सरसों की खेती ने वृहत रूप लिया है उससे गांव की तस्वीर जरूर बदलेगी। इसके आधार पर जरूर बदलेगा। ये लोग खेती तो करते हैं लेकिन यहाँ छोटा सा बाजार है, इधर उधर उसको बिक्री करने के लिए वो लोग सोचते हैं, तो इस तरह से थोक में खरीदारी उस तरह से रहेगा तो खेती करने में सब कोई ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ के अन्य किसान बताते हैं कि पहले यहाँ के लोग थोड़ी बहुत गेहूँ की खेती करते थे, कृषि विज्ञान केंद्र की वजह से यहाँ सरसों की खेती संभव हो पाई, इससे यहाँ के लोग काफी खुश हैं। थोड़ा बहुत गेहूँ खेती कर रहे थे, सरसों का खेती बहुत कम कर रहे थे। अभी फिलहाल में जो के विकास भारती विश्वपुर द्वारा लाया हम लोग को, उसके माध्यम से अभी सरसों की खेती किए हैं तो हम लोग को तो बहुत अच्छा ही लगा और देखने में भी अच्छा ही है और हम लोग को फायदा ही फायदा होगा और अगले के लिए फिर सोच रहे हैं कि हम लोग के इसको खेती किस ढंग से करेंगे, इसमें किसान लोग को और जोड़ेंगे अधिक से अधिक और संख्या में एक साथ खेती करने का सब्जी का भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इस तरह से बुधराम उरांव बताते हैं कि विकास भारती की वजह से ही यहां सरसों की खेती हो पा रही है, हमें देखकर अन्य लोग भी इस ओर झुक रहे हैं। ऐसे कदम से न सिर्फ व्यक्ति विशेष का बल्कि पूरे देश का विकास होता है। इस बार जो कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा बिशनपुर
विकास भारती के द्वारा हम लोग को जो सुझाव मिला और रास्ता दिखाए, उस आधार पर सरसों लगाए हैं और आगे भी लगाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और हम लोग के साथ जो लगाए हैं वो तो लगाते किए हैं, लेकिन अगला भी सोच रहे हैं कि हम भी इस तरह से करेंगे और मेरा विकास होगा, मेरा बच्चा का विकास होगा, बच्चा का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास के साथ देश का विकास होगा, इस तरह हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये बताते हैं कि पहले की तुलना में यहाँ खेती का रकबा भी काफी बढ़ गया है। पहले यहाँ खेती होती थी लेकिन कम क्षेत्र में, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से मदद मिलने के बाद यहाँ की खेती ने वृहद रूप ले लिया है। जी सर, खेती का रकबा इस बार करीब आधा से ज्यादा ही बढ़ा है। इतना मतलब अधिक रूप से, विकसित रूप से खेती नहीं हो रहा था, खेती तो होता ही था, खेती पर आश्रित है ही हम लोग, लेकिन इस तरह से इस बार जितना खेती हुआ है उतना नहीं हो पा रहा था। जरूर उराव बताते हैं कि सरसों की खेती उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से सीखी, इससे उनकी खेती में काफी बदलाव आया है। इतना ही नहीं, इससे उनकी आमदनी भी पहले से बढ़ गई है। ट्रेनिंग तो जैसे वहाँ जाकर बुलाते हैं तो बताते हैं इस तरह से लगाना है, वैसा लगाना है, वैज्ञानिक ढंग से लगाना है, कह रहे थे। लेकिन एक समस्या ये भी है, झारखंड में जो किसान हो या कहीं भी, मानते हैं कि हम क्योंकि बाप दादा के समय से करते आ रहे हैं तो हमको सब पता है, ट्रेनिंग करना ज़रूरी है कि नहीं? ये तो अभी जो नए ढंग से नए तकनीकी से करने के लिए तो वो ट्रेनिंग होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि खेती यदि सही तरीके से की जाए तो वो आमदनी का बेहतर जरिया बन सकती है। कृषि संसाधनों की मदद से ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। यदि किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो क्षेत्र से बेरोजगारी मिटेगी और वहां से अशांति स्वतः दूर हो जाएगी। इसमें जहां भी है सबसे बड़ा माध्यम किसान हो सकता है उस क्षेत्र को शांत करना। अगर हम खेती की तरफ उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनके लाइवलीहुड को, उनके सारे चीज़ों को अगर देखा जाए, जब आय का सृजन हमको खेती में मिलेगा तो निश्चित तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुद से खुद वो क्षेत्र शांत हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि जब तक हमारा लोकल सपोर्ट नहीं रहेगा उनके लिए, जो हमारी गतिविधियाँ गलत गतिविधियों में सम्मिलित है, तो जब तक ग्रामीण का सपोर्ट नहीं रहेगा हो नहीं सकता है। और सपोर्ट तभी रहता है जब वहाँ पर कि जो है उनका आय कम है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अगर हम खेती को बढ़ावा दें, ये कि सबसे बड़ा ये हिंदुस्तान की रीढ़ है, इसको अगर हम बढ़ावा दें तो बहुत सारी समस्याओं से हम ऑटोमेटिक जो है उससे हम सफलता पा सकते हैं। तो खेती करने की वजह से, अच्छा ढंग से करने से जो आमदनी बढ़ रही है उसे हम बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, साथ में हमारा जो भोजन स्तर था वो उसमें सुधार हुआ है, खाने पीने में, और बच्चा को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, यानी कुछ जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, घर में भी सुधार हो रहा है। झोपड़ी में रहते थे, थोड़ा सा अच्छा घर बनाए और अच्छा जैसे नीचे जमीन में सो रहे थे, पलंग बनवा लिए, कोई चौकी बनवा लिए, इस तरह से हमारा जीवन स्तर में सुधार हुआ है। खेती वस्तुतः एक लाभदायक कार्य है, जरूरत है तो इसमें समुन्नत तकनीकों के प्रयोग करने की। बनालाड़ क्षेत्र की जमीन वही है, परंतु यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिए गए तकनीक ने जमीन की सूरत बदल दी है। अब यहाँ सरसों की खेती आने की वजह से यहाँ की खेती ने व्यवसायिक रूप ले लिया है, किसानों की आमदनी बढ़ रही है और उनकी जिंदगी में खुशहाली आ रही है। सरसों अनुसंधान निदेशालय है, उसके तरफ से भी ये पहल की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में प्रत्यक्षण हो और ज्यादा से ज्यादा एरिया में हम इसका जो है फैलाव करें, जिससे हमारी उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़े, जिससे हमारी जो है दूसरे देशों के ऊपर जो है निर्भरता कम हो, हम खुद आत्मनिर्भर हों। इसलिए हम लोग इस एरिया को चुने हैं। इस एरिया में मुख्य रूप से 51 किसान इस परियोजना के साथ सम्मिलित हुए हैं। 40 एकड़ में हम लोग सरसों की खेती कराए हैं बनालाद क्षेत्र का। अच्छा, तो आज आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ से पूरे गांव के लोग लगभग इसमें जुड़े हुए हैं। तो देखा दोस्तों कैसे बनालाद के किसानों ने सरसों की खेती से अपने जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लेकर आए। उम्मीद है कि झारखंड के अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी प्रेरणा भरी कहानी हमारे समक्ष जल्द आएंगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ एक नए अद्भुत कहानी के साथ। नमस्कार।